नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जिंदगी अजीब पहेली है, वाकई ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। आज सबको हंसाने वाला छोटे पर्दे का एक ऐसा किरदार जिसने न जाने कितनों को हंसाया, खामोश हो गया। नहीं आएगा डॉक्टर हाथी, नहीं आएगा कवि। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभा रहे एक्टर कवि कुमार आजाद हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए। आइए जानते हैं कि आखिर कौन था हम सबका ये फेवरेट डॉक्टर हाथी, कैसी थी इसकी कहानी। वो वजन से परेशान थे, फिर भी बेहद मजेदार डॉक्टर की भूमिका निभाते थे। एक ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर हाथी जो इसी नाम से दर्शकों के दिलों में बस गए थे। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभा रहे एक्टर कवि कुमार आजाद यानी छोटे पर्दे का हाथी। बेहद स्ट्रगल किया कवि कुमार ने। बिहार के सासाराम जिले के गौरक्षणी के रहने वाले कवि कुमार आजाद को एक्टर ही बनना था, पर घर वाले खिलाफ थे। उन दिनों घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि उन्हें एक्टर ही बनना था और घर वाले इस फैसले के खिलाफ थे। उन दिनों घर की हालत भी ठीक नहीं थी। पिता को बिजनेस में नुकसान हो गया था और वो घर से भाग गए थे और मुंबई जा पहुंचे, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था, न कोई ठिकाना था, न उनके जेब में फूटी कौड़ी थी। यहां तक कि कवि कुमार आजाद जिस घर में रहते थे उसका किराया देने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाते थे। ऐसे में उस दौर में उन्होंने सड़कों पर सोकर भी रातें काटी थी। उनका कहना था कि संघर्ष तो किया, अब भी कर रहा हूं, लेकिन इसका भी अपना मजा है। अपने वजन से बेहद परेशान रहा करते थे कवि कुमार, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा था तो ऐसे में मोटापे के साथ कहां संभव है टिकना। लेकिन स्ट्रगलिंग फेज में एक दिन एक प्रोडक्शन हाउस से उनके पास कॉल आती है। वो पहुंचते हैं, जैसे ही वो केबिन में घुसते हैं वो देखते हैं डॉक्टर हंसराज हाथी के किरदार के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। उनका कहना था कि ये मेरी लाइफ का बिग ब्रेक साबित हुआ। एक्टर बनने का सपना देखने वाले हर युवा को इसका इंतजार रहता है, लेकिन उनका कहना था कि उनका अनुभव है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और सच बात है, ये सभी के लिए है। खुद और भगवान पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें, ये कहना था कवि कुमार का। कवि कुमार तारक मेहता के अलावा मेला, फंटूश और 2005 में रिलीज हुई फिल्म क्योंकि में नजर आ चुके हैं। क्योंकि में सलमान खान और करीना कपूर खान के साथ नजर आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो उनका वजन करीब 200 किलो के आसपास हुआ करता था और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के चलते वो कई बार हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। बताया जाता था कि पिछले काफी समय से वो डाइटिशियन की निगरानी में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे थे ताकि वजन कम किया जा सके। बताया जाता था कि वो दिल से काफी पॉजिटिव और शानदार एक्टर थे। उन्हें अपने फैन से मिलना अच्छा लगता था। अक्सर लोग पूछते थे कि क्या आप सच में डॉक्टर हैं, तो उनका कहना होता था कि मेरा किरदार डॉक्टर का है पर वास्तविक जिंदगी में मैं मरीज हूँ। अकेले में शायरी सुनना और गाना उन्हें बेहद पसंद था। जरूरतमंद बच्चों को खुश रखते थे वो। हर क्रिसमस पर आसपास बच्चों को इकट्ठा करके क्रिसमस सेलिब्रेट किया करते थे, इससे उनके मन को शांति मिलती थी। उनका कहना था कि अच्छे एक्टर से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। उनका कहना था कि बस किसी को दुखी मत करो, जिंदगी इसी का नाम है। सोर्सेज बताते हैं कि वो तबीयत खराब होने के बावजूद भी शो पर आते थे क्योंकि वो शो से बहुत प्यार करते थे। इस धारावाहिक में काम करने के लिए उन्हें 25,000 पर डे मिलते थे। जब वो एक्टिंग में मशहूर नहीं होते थे तो कविताएं लिखा करते थे। शो में वो पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के साथ बहुत ही मिलनसारिकता के साथ पेश आते थे। ऑडियंस खासकर बच्चों में वो बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। कवि कुमार को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2010 में कवि कुमार आजाद उर्फ डॉक्टर हाथी ने अपना 80 किलो वजन सर्जरी से कम किया था। इस सर्जरी के बाद उन्हें रोजाना की जिंदगी में काफी आसानी हो गई थी। कविराज ने 2010 में सर्जरी कराने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका किरदार एक मिसाल था। उन्हें तारक मेहता ने घर घर में पहचान दी। कुछ दिनों पहले इस एक्टर ने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। इस तस्वीर में एक्टर ने कहा था, पल हो ना हो हर लम्हा जियो, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं। आज डॉक्टर हाथी किसी को हंसाएगा नहीं। इस एक्टर की मौत से टीवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।